नमस्कार। पिछले कुछ वर्षों से हम इस मुगालते में थे कि दुनिया में पानी का अकूत भंडार है जो शायद कभी खत्म नहीं होगा, पर अब स्थिति बदल गई है। अब हम इस बारे में चर्चा करते हैं कि किस शहर में कितने दिनों का पानी बचा हुआ है। अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो विश्व के तमाम हरे भरे क्षेत्र लगातार सूखे बंजर जमीन बनते जा रहे हैं। वहीं अगर भारत की बात की जाए तो भारत में एक ही साल के अंदर लगातार भारत के तमाम अलग अलग हिस्से कोई सूखे की चपेट में है तो कोई बाढ़ की। और इन सबका अगर कारण देखा जाए तो इन सबका कारण है लगातार भूगर्भ जल स्तर का गिरते रहना और साथ ही साथ अंधाधुंध जल का दोहन। इस विकट परिस्थिति में वाटर एड के सहयोग से वात्सल्य संस्था उम्मीद की किरण बनकर आई है। इन्होंने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कई हिस्सों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाकर न सिर्फ लोगों को इसके बारे में जागरूक किया है बल्कि गिरते भूगर्भ जल स्तर को भी बचाया है। पेश है ये रिपोर्ट। घास के इस जंगल को देख के ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का प्रांगण है। हम मोहनलालगंज के दखना शेखपुर ग्राम पंचायत के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात कर रहे हैं। यहाँ बरसात में ऐसे ही चारों तरफ बड़ी बड़ी घासें उग जाती हैं। इसका मुख्य कारण होता है पानी का जमाव, जिससे यहाँ आने वाले मरीज और डॉक्टर खासा परेशान रहते हैं। स्वास्थ्य भवनों के छत पर जो पानी जमा होता था वो भी इसी प्रांगण में फैल जाता था, लिहाजा स्वास्थ्य केंद्र के अंदर घास, गंदगी और मच्छरों का कब्जा हो जाता था। बारिश का जो पानी हमारे लिए बहुउपयोगी साबित हो सकता था वो यहाँ की समस्या बन चुका है। आज तक हम देश में सिर्फ जो बरसात होती है उसका 8% पानी ही ज़मीन के अंदर पहुँचा पाते हैं और काफ़ी सारा पानी बरसात का व्यर्थ हो जाता है। तो यदि हमने जो हमारे भूमि में पानी है उसका दोहन तो बहुत किया है, लेकिन आज वो समय आ गया है कि हमें कहीं ना कहीं उसके संरक्षण की आवश्यकता है। तो बहुत सारा कार्य इस कार्यक्रम में हो रहा है जिसमें कि हम इस वर्षा के जल को संचयन की बात कर रहे हैं और कैसे इस पानी को बचाया जाए, हार्वेस्ट किया जाए, उसके लिए स्ट्रक्चर बना रहे हैं ताकि समुदायों की सहभागिता के साथ और उनकी सहभागिता ना सिर्फ ये समझदारी में कि ये आवश्यक है और क्यों आवश्यक है, बल्कि पंचायतें इसमें शामिल हों, अपना धन भी व्यय करें, वो टेक्निक भी समझें ताकि वो आगे इसको ले जा सकें। इसके बाद वाटर एड के सहयोग से वात्सल्य संस्था ने इस समस्या के समाधान का जिम्मा उठाया। पहला समाधान था बारिश के जल को संचित करना और ये बेहद आसान प्रक्रिया है। छत पर जमा जल को पहले इन पाइपों के जरिए फिल्टर तक लाया जाता है, फिल्टर में जल को साफ करके उसे स्टोर किया जाता है और अंत में स्टोरेज के बाद जो पानी बच जाता है उसे रिचार्ज पिट में डाला जाता है। वर्षा जल संचयन इस समय की बहुत महत्वपूर्ण ज़रूरत है जिसकी बात न सिर्फ भारतवर्ष में बल्कि पूरे विश्व में की जा रही है। वर्षा जल संचयन पे वाटर एड भी बहुत सजग है और इसी मुहिम को आगे लेके चलते हुए हम लोगों का ये मानना है कि वर्षा जल संचयन को ना सिर्फ लोगों को सिखाने की बल्कि जगह जगह इसको करके देखने की भी ज़रूरत है। इसी को आगे लेते हुए हम लोगों ने ये समझ बनाई है कि हम इसे जो कार्य क्षेत्र है, जो विभिन्न कार्यालय हैं सरकारी गैर सरकारी, उसमें कैसे वर्षा जल संचयन के अलग अलग माध्यम हो सकते हैं, उस पर क्या कार्य किया जाना चाहिए, उस तरह के मॉडल्स बनाने की बात है। 5 दिवस फिल्टर टोटल लगेंगे, उसके बाद फिल्टर से हम सारे कलेक्ट करके स्टोरेज टैंक में ले जाएंगे। हम सारे पानी जो रहेंगे वो स्टोरेज टैंक में गिरेंगे, स्टोरेज टैंक से फिर उसके बाद होके रिचार्ज पिट हम लोगों ने लगभग बनाया है। 4 फीट लंबाई है, 4 फीट चौड़ाई है और गहराई लगभग 7 फीट है। इस तरह से हम बारिश के जल को अपने कई उपयोग में ला सकते हैं जो दक्षिणा शेरपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बेकार हो रहा था। इस प्रयास से हम कई समस्याओं से बच सकते हैं और कई फायदे भी ले सकते हैं। बारिश के जल का संचयन कर हम उसे अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं, भूगर्भ जल स्तर को नीचे गिरने से बचा सकते हैं, घास के जंगल उगने से रोक सकते हैं, मच्छरों से होने वाली बीमारियों की रोकथाम कर सकते हैं और इमारत को सीलन से बचा सकते हैं। संस्था की कोशिशों से हम ये भी जान गए कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग किस तरह से हमारे लिए बेहतर उपाय होता है। ये तो हुई दखना शेखपुर की कहानी, लेकिन संस्था इसके अलावा दूसरे इलाकों में भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए बारिश के पानी का संचय कर लोगों का जीवन खुशहाल बना रही है। अब आपको हम लेकर चलते हैं मोहनलालगंज के ही लालपुर ग्राम पंचायत में। यहाँ सबसे पहले पंचायत भवन का हाल देखते हैं। यहाँ संस्था ने वरुण फिल्टर लगाकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की है। पंचायत भवन के छत पर जमा पानी बूंद बूंद करके फिल्टर में गिर रहा है,
जो वाटर स्टोरेज होते हुए रिचार्ज पिट में चला जाएगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का लाभ आप पंचायत भवन के प्रांगण में देख सकते हैं। पानी का फैलाव नहीं होने से यहाँ ना तो घास के जंगल हैं, ना ही मच्छरों की आबादी। हालांकि कुछ समय पहले यहाँ ऐसा नहीं था, लेकिन जब से रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्लांट लगा है तब से यहाँ की सूरत बदल गई है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग से पंचायत भवन के कई सारे काम निपट जाते हैं। शौचालय में पानी का इस्तेमाल हो या पौधों की सिंचाई करना हो, ये सारे काम आज उस पानी से संभव हैं जो बेकार चला जाता था। लालपुर ग्राम पंचायत के ही प्राथमिक विद्यालय में भी संस्था के सहयोग से रेन वाटर हार्वेस्टिंग की योजना सुचारू रूप से चल रही है। पहले स्कूल की इमारत और प्रांगण बारिश के दिनों में पानी से तर बतर रहा करते थे, लेकिन अब पानी का फैलाव नहीं होता है। साफ मैदान और सीलन से बची हुई इमारत, ये सब कुछ संभव हो पाया है वाटर एड और वात्सल्य के रेन वाटर हार्वेस्टिंग की पहल से। इस के लगने के कारण हमारे विद्यालय में पानी की अब जो वाटर लेवल था, जो पानी की भी कोई कमी नहीं है, आरओ भी लगा है, मतलब सब सिस्टम पानी का जो है, बाथरूम में भी पानी जा रहा है, और इससे वर्षा का जो पानी जो वेस्ट होता था वो स्टोरेज होके नीचे जा रहा है, जिससे जो है जो वाटर लेवल जो नीचे था, वाटर लेवल धीरे धीरे जो है इसके कारण जो है ऊपर होने लगा है। पंचायत भवन और प्राथमिक विद्यालयों में लगे इन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से न सिर्फ यहाँ फायदा हो रहा है बल्कि पूरे लालपुर गांव को इसका लाभ मिल रहा है। अब हैंडपंप में भी पानी आसानी से आ जाता है और गांव के भूगर्भ जल स्तर में भी बढ़ोतरी देखी गई है। वाटर एड के सहयोग से वात्सल्य संस्थान ने लालपुर गाँव की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दी है। अब हमें उम्मीद है कि वहाँ के लोग जागरूक हो चुके हैं, तो अब वहाँ पानी की समस्या कभी नहीं होगी। धन्यवाद।